नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में एक बार फिर से बात करेंगे मनीष सिसोदिया के बारे में। दिल्ली की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए अब जेल में रखा गया है। जी हाँ, तिहाड़ के जेल में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही अब मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक अपने दिन गुजारने होंगे। वहीं बता दें कि 20 मार्च के दिन एक बार फिर से मनीष को 2 बजे के करीब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सीबीआई और मनीष सिसोदिया आमने सामने होंगे। जज उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। जज सीबीआई से ये भी सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक जांच किस हद तक और कहां जा पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है। इन दोनों के बीच में 500 मीटर की दूरी है और कई बाउंड्रीज भी बनाई गई हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने अपना चश्मा, दवा और भगवत गीता साथ में पेन और एक नोटपैड ले जाने की मांग की। फिलहाल जेल ने उनकी इस मांग को भी मान लिया है और साथ ही मनीष सिसोदिया ने एक और खास मांग की, और ये खास मांग थी विपश्याना सेल में रखने की। आपको बता दें कि विपश्याना सेल में जेल में ध्यान आरोपी कर सकता है। जो जेल में रहता है वो यहाँ पर बैठ करके ध्यान कर सकता है, इसलिए ये सेल बनाई गई है। इस सेल में मनीष सिसोदिया रहना चाहते हैं और साथ ही भगवत गीता का पाठ करना चाहते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी वो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। यानी कि साफ तौर पर यहाँ एक और जहाँ आम आदमी पार्टी के अंदर यहाँ तहलके के माहौल हैं, आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है, तो वहाँ मनीष सिसोदिया अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संयमित और शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 20 मार्च के दिन मनीष सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला लेता है। और इस सारे प्रकरण के दौरान अगर बात करें होली के त्यौहार की, तो रंग में भंग जैसा इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए और साथ ही मनीष सिसोदिया के लिए हुआ है। देखना काफ़ी लाजमी होगा कि अब मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में कैसे निपटते हैं, कौन सा एंगल सामने आता है और ये 20 मार्च तक के दिन मनीष सिसोदिया के लिए कैसे भारी पड़ते हैं और भगवत गीता से उन्हें कैसे प्रेरणा मिलती है आगे की इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। आज उसके इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।